जो स्थानीय समस्याएं होंगी उनका जरूर समाधान किया जाएगा। वैसे तो हमने अपने पूर्व में चारों रेल सरकारों में आपके बुंदेलखंड को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए काफी काम किया है, आप लोगों को ये मालूम है। उसके बाद तो केवल पेपरबाजी करती रही, मीडिया में खतरा होता रहा, जमीन के लोगों के साथ कोई नहीं आया है। बहन जी को देखने के लिए आई थी। आपके लिए बहन जी क्या मायने रखती? बहुत कुछ। जैसे? जैसे कि हमको सब कुछ दिया है, मायने रखती है हमको। हाँ? क्या उम्मीदें हैं? बोलो बोलो बोलो। अब हमें उम्मीदें तो बहुत कुछ लगा है, लेकिन अब हमारी उम्मीदें अरमान पूरे थोड़ी ना पूरा करेंगे, जो होगा वो करेंगे। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया? कॉलोनी दिया, हमको राशन कार्ड बनवाया, हम लोगों ने गरीबों को बहुत कुछ किया। हम बहन जी को मानते हैं, बाबा साहेब को मिशन के मानते हैं, और उसी को जिताएंगे हाथी को। हाँ, उसी को जिताएंगे, मन धन से लगे हैं। हाँ हाँ, खूब खूब यही उम्मीद लेके आई है। हाँ, हम क्या करती हैं, बनी मजूरी करते खाते हैं। हमारे लिए अच्छा की करेंगे, जो काम करेंगे हम अपने अधिकारों के लिए आपको बताते हैं, उनको है कि हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमारा सुधार करें, हमारी गरीबी दूर हो। बहन जी, हम लोग ये सिस्टम की 2007 की तरह पुनः बसपा पूरे बुंदेलखंड में इतिहास दोहराने वाली है। 19 के 19 सीटें बसपा की खाते में जाने वाली, इसका रीजन क्या है बता दें आपको कि बीजेपी ने सर्व समाज के साथ धोखा किया है, खासकर वंचित गरीब असहाय समाज के लिए जीना हराम कर दिया है। हमारे यहाँ के जो मेन पीड़ा है अन्ना जानवर, उन्होंने तो बिल्कुल नाश कर दिया सब समाज का। तो खासकर यह है कि जो सपा है वो गुंडों की पार्टी है, बीजेपी है वो जंगल राज है, इन दोनों से पूरा सर्व समाज त्रस्त हो चुका है। बुंदेलखंड में पुनः बसपा की सरकार बनने वाली, यहाँ से हम लोग पूर्व बहुमत से देखे पर बुंदेलखंड से। मेरे लिए बहन जी एक भगवान का रूप है, और मैं भगवान का रूप के ज़्यादा मैं अपनी बहन जी को मानता हूँ, क्योंकि वो पहली बार सर्व समाज की नेता बनने जा रही है बहन जी, और ये पूरे देश ने पूरे मुल्क के लिए एक नया इतिहास लिखने जा रहा है कि बहन जी पूरे विश्व की नेता बनेगी। मैडम जी, मैं आपको बता दूँ कि हमारे बुंदेलखंड में आपको जो बगल से बना है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, और ये सब कुछ बहन जी की है। जो आज तक इतिहास है हमारे बुंदेल में कहीं कुछ नहीं हुआ था, ये बिल्कुल उजड़ा वीरान था, लेकिन बहन जी ने हमारे बुंदेलखंड को बिल्कुल बुंदेलखंड जैसा बना दिया। और आज की जो सभा थी उनमें बोल दिया है कि नेक्स्ट में अगर हमारी सरकार बनती है तो बुंदेलखंड में जो पलायन होता है वो मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा, युवाओं को मैं नौकरी दूंगा, और बुंदेलखंड में ऐसे में संसाधन में यातायात बनवाऊंगी कि यहाँ का जो पलायन है वो हर संभव रुक जाएगा। और हमारे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत मर्यादा रखने वाली एक बहन जी है। आज देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में पानी नहीं रह गया है। जब पानी नहीं रह जाएगा तो भारत हमारा, उत्तर प्रदेश हमारा उजड़ जाएगा। यदि पानी रखेगा इस भारत में तो हमारा ये जो है तो मर्द का अवतार है। इस ये यूपी सरकार में भाजपा ने पानी नहीं रखा है, पानी में जो है तो मिट्टी में मिला दिया है। और हमारा सबसे निवेदन है, आपसे भी निवेदन है कि इस सरकार को और बहुमूल्य से जो है तो आपको प्रकाशित करें। मैं बार बार आपसे विनय करता हूं, ये सरकार शांति संपूर्ण और सबको विकास, सबका हितास करने वाली, सबको सुख देने वाली, शांति चंद से रखने वाली एक बहुजन समाज पार्टी है। अरे बहन जी बहुत माने रखती है, वो दलित और अनुसूचित जात की लड़ाई लड़ती है, और जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन बनाती है, उनको जेल भेजने का काम करती है। और हमारी बहन जी की सरकार रही तो अच्छे अच्छे बदमाशों को जेल भेजने का काम हमारी बहन जी की सरकार ने किया, राजा भैया जैसे लोगों को जेल भेजने का काम हमारी बहन जी की सरकार ने किया। बिल्कुल, 2007 की तरह 2022 में बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी और पांचवी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, और दल सर्व समाज के हित का कार्य करेंगी। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है देश की जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के हिसाब से काम करती है और सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखती है।
इसलिए बहुजन समाज पार्टी ही देश में वो पार्टी है जो इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती है और सत्ता परिवर्तन के हिसाब से सर्वजन के आंसुओं को पोंछना चाहती है। हम आज की रैली से बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी बहन जी की, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और अच्छा जनता का विकास होगा प्रदेश का। बहुत से फायदे होंगे, जैसे कि युवाएं भी रोजगार घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध करेंगी यहाँ अपने प्रदेश में ही, जनता को कार्य मिलेगा, काम मिलेगा और बाहर कहीं जनता भटकती है फिर कोरोना लग जाता है, फिर वहाँ से भागती हुई पैदल आती है जनता भूखी प्यासी, कैसे भी ना वाहन ना साधन कोई व्यवस्था नहीं होती है, इस तरह से जनता हमारी परेशान होती रहती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।